दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद गांजेवार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। नई सोच नई खोज। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मारा खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदामों पर छापा। जिले के धान खरीदी केंद्र पर से अधिप्राप्त धान की पिसाई कर चावल को सरकारी गोदामों में संग्रहित किया जाता है, लेकिन आरोप है कि निकृष्ट दर्जे का चावल भंडारा तहसील के राइस मिलर्स के माध्यम से सरकारी गोदामों में जमा करवा कर वही घटिया चावल को राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को दिया जा रहा है। इस संबंध में भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर को जानकारी मिलते ही उन्होंने भंडारा के सरकारी गोदाम पर छापा मारा और कई अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। इस अवसर पर तहसीलदार पोयम तथा खाद्य आपूर्ति निरीक्षक पटोले उपस्थित थे। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा दो दिन पहले की गई जांच में चार राइस मिलों का 1080 क्विंटल चावल रद्द किया गया था, लेकिन नौ राइस मिलों का 6108 क्विंटल चावल पास किया गया। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने चेतावनी दी है कि ये घोटाला वित्तीय लाभ के लिए किया जा रहा है। जो लोग गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजना जरूरी है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मांग की है कि सरकार को भंडारा के उन राइस मिलर्स को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए जो सरकारी गोदामों में घटिया चावल जमा करते हैं, साथ ही घोटालों में शामिल अधिकारियों को भी निलंबित कर देना चाहिए। आकाश न्यूज की खास खबर।